हाय गाइस, आज है ना मैं ये फोन टेस्ट कर रहा था। ये एक बजट फोन है मोटरोला की तरफ से। सबसे पहली बात, मैं इनिशियल इंप्रेशन में अगर मैं बोलूँ तो मुझे तो इसका जो है डिज़ाइन बहुत मॉडर्न लगा। मैं आपको बॉक्स दिखाता हूँ। बॉक्स में जो है फोन कवर के साथ ही आता है, खैर कवर मिलता है इन शॉर्ट। बाकी डॉक्यूमेंटेशन, 10 वॉट का चार्जर और केबल मिलती है। खैर फोन जो है डिफरेंट वॉट की चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। सारी चीज़ें ढंग से एक्सप्लेन करूंगा, बट हाँ, अगर आप एक बजट फोन देख रहे हो आप इसकी तरफ 100% चेकआउट कर सकते हो। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूँ, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अब क्योंकि डिजाइन के बारे में मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी सी तारीफ करी दी है, तो इसको एक्सप्लेन करूं तो ये फोन जो है बॉक्सी फ्रेम के साथ आता है और मुझे अच्छा लगा है इन दिनों में जनरली हमें बॉक्सी फ्रेम देखने को मिल रहा है, क्योंकि बॉक्सी फ्रेम इन हैंड फीलिंग थोड़ी सी बेटर देता है, मतलब मेरे ओपिनियन में। खैर अगर मैं बैक पैनल की बात करूं तो ये मैट फिनिश के साथ आता है और ये जो मटेरियल है ना एक्रेलिक ग्लास का है। ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन होगा कि एक्रेलिक ग्लास है क्या एग्जैक्टली वे, तो भाई मैंने भी सर्च करा तो मुझे पता लगा कि एक्चुअली में इसको अगर आप टच करोगे तो वो ग्लास की फीलिंग देता है, जो कि मैं भी एग्री कर रहा हूं, थोड़ा सा टच करने में ग्लास लग रहा है, बट ये होता एक्चुअली में प्लास्टिक ही है। और इस फोन के बारे में मैं अपने टीम मेंबर से भी डिस्कस कर रहा था, सबको ना इस फोन का स्लिम होना और लाइट वेट होना सबसे अच्छा लगा, ये एक्चुअली में हाईलाइटिंग पॉइंट है। एक और बात, इन्होंने ना इस फोन का कलर बहुत अच्छा बनाया है, मैट फिनिश है, स्टिल इसमें ग्लोई इफेक्ट आता है। खैर इसमें फिंगरप्रिंट आ रहे हैं, चीज मैंने नोटिस करी है। वैसे एक और बात कहनी पड़ेगी, इन्होंने जो है ना यहाँ पर स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल देकर ना इसको एक थोड़ा सा प्रीमियम टच दिया है। खैर मैंने तो एक और चीज नोटिस करी है कि इस फोन के जो वॉल्यूम रॉकर्स है ना वो बहुत अपर साइड है, हाथ स्ट्रेच करना पड़ता है और उसके नीचे हमें वो पावर बटन मिलता है। बट मैं मोटोरोला की एक जगह तारीफ करूंगा कि अपने बजट फोन में डॉल्बी एटमोस देते हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ जैसे इसके स्पीकर्स है ना, मेरे को सच में थोड़ा सा अच्छा लगा देख के कि इस कैटेगरी के अंदर भी हमें अच्छे स्पीकर देखने को मिल रहे हैं। और एक और बहुत शॉकिंग बात है, उससे पहले ये आपको बता देता हूँ, कोई भी 10,000 का फोन आप खरीदोगे ना उनकी वाइब्रेशन मोटर इतनी बेकार होती है कि उनमें से ना एक बज साउंड आती है, मेरे को पर्सनली पसंद नहीं आता। फॉर गुड रीजन मोटोरोला ने यहाँ पर इतनी अच्छी वाइब्रेशन मोटर डाली है कि अच्छा हैप्टिक फीडबैक आता है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। बाकी हाँ, हेडफोन जैक तो मिलता ही है। और हाँ गाइस, ये जो है एक 4G फोन है जो कि ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है, आप मेमोरी एक्सपेंड कर सकते हो। अच्छा गाइस, अब इस फोन को फ्रंट से देखो, यहाँ पर पंच होल कैमरा मिलता है, लाइक ठीक बेजल्स है, मेरी कोई शिकायत नहीं है। और ये डिस्प्ले ना 6.5 इंच की है जो कि LCD है और HD रेजोल्यूशन के साथ आती है, बट मोटोरोला ने इस फोन के अंदर 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया है। और डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए ना इन्होंने पांडा ग्लास यूज करा है। और मैं ना एज्यूम करके चल रहा हूँ इस फोन का प्राइस जो है 10,000 के अराउंड ही रहेगा, पर ये जो डिस्प्ले है ना 400 nits के साथ आती है। आई नो 400 nits जो है इस प्राइस सेगमेंट में कॉमन बोला जाता है, बट हाँ आउटडोर विजिबिलिटी लाइक ओके ही है। एक और जो मैंने प्रैक्टिकल टेस्टिंग करी वो बहुत सारा कॉन्टेंट देख के है, और मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा IPS पैनल है अगर इस प्राइस सेगमेंट की बात करूं। और मैंने ना मोटोरोला से क्वेश्चन किया था कि इसमें फुल HD डिस्प्ले क्यों नहीं दी, तो मोटोरोला ने रिप्लाई में ये बोला कि हमने जो है HD रेजोल्यूशन तो दिया है, लेकिन बदले में हमने ज्यादा टच सैम्पलिंग रेट दे दिया जो कि गेमिंग में हेल्प करेगा। और शॉकिंग पार्ट ये है कि इस फोन का पता है टच सैम्पलिंग रेट कितना है, 576 Hz, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में मैंने आज तक कभी भी नहीं सुना किसी फोन के अंदर। और जब मैं इस फोन में कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा था ना, एक्चुअली में जो इनपुट लैग है डिस्प्ले को टच करने का वो कम हुआ है, तो मुझे लगा था पहले कि फेक है, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इन्होंने ज्यादा टच सैम्पलिंग रेट यूज किया, वो डिफरेंस क्रिएट करेगा गेमर्स के लिए। बाकी बैटरी डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, इस फोन में 5000 mAh की बैटरी मिलती है और 10W का चार्जर इन्होंने बॉक्स में दिया है, बट ब्रांड का ये भी क्लेम है कि अगर आपके पास बैटरी चार्जर है तो ये फोन 15W पे भी चार्ज हो सकता है। इन शॉर्ट बैटरी कैपेसिटी से मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन चार्जिंग थोड़ी सी और फास्ट होनी चाहिए थी। फिर एक पॉइंट ये भी कंसिडर करने वाला है कि मोटोरोला जो है थोड़ा सा डिफरेंट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देता है। ये लोग ना MIUX यूज करते हैं जो कि स्टॉक एंड्रॉइड की तरह दिखती है। खैर इस फोन में हमें एंड्रॉइड 13 मिलता है, जो कि हाँ प्लस पॉइंट है इनके लिए, बट मेरे को जो है पर्सनली अच्छी बात ये लगती है कि मोटोरोला ने इस फोन के अंदर थिंक शील्ड दी है, जो कि एनी डेज की सिक्योरिटी एनहांस करेगा, जो बजट फोन में भी होनी चाहिए। बाकी इस फोन में 1 साल का मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा और 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट। वैसे गाइस इस फोन में ना डेली हंट, मोज और शेयर चैट जैसी ऐप प्री इंस्टॉल आई थी, अनइंस्टॉल कर सकते हैं हम, बट इस फोन में ना हमें FM रेडियो मिलता है। बहुत कम फोन रह गए जो कि FM रेडियो को सपोर्ट देते हैं, बट मोटोरोला के फोन्स की ना एक खास बात रहती है कि ये कुछ
अपने स्पेशल फीचर देते हैं ऐसे चॉप चॉप करने पे, जरा फ्लैश लाइट ऑन ऑफ। एक और फीचर देखना गाइस, अगर मैं ऐसे करूंगा तो कैमरा खुल जाएगा, बाकी थ्री फिंगर से स्क्रीन शॉट भी लिया जा सकता है। तो इनिशियल इंप्रेशन में सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तो अच्छा लग रहा है, बस मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि मोटोरोला जो है फ्यूचर में कोई ब्लोटवेयर ऐड ना करे सॉफ्टवेयर अपडेट से, और आई विश और सॉफ्टवेयर अपडेट दे। बाकी परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो मोटोरोला ने इस फोन के अंदर ट्राइड एंड टेस्टेड मीडियाटेक G85 प्रोसेसर डाला है। हो सकता था कि कोई और प्रोसेसर यूज करे मे बी, बट वैसे देखा जाए तो ये प्रोसेसर जो है ठीक काम कर रहा है, क्योंकि N22 की मैं स्कोर दिखाऊं तो 2,14,000 का हमें मिल रहा है। गीगबेंच की बात करूं तो मल्टीकोर स्कोर जो है 1400 के आसपास आ जाता है। इनफैक्ट सीपीयू थ्रॉटलिंग भी जो है 79% पे और ग्राफ सही आया है। और स्ट्रेस टेस्ट की बात करूं तो 98.4% आया है। तो ओवरऑल अगर मैं इन सारे के सारे बेंचमार्क्स को देख के चलूं तो चिप तो भाई एक्चुअली में सही लग रही है। और अगर आपको बेंचमार्क से समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इस पे बेसिक काम करोगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से ये फोन हैंडल कर लेगा। और सिर्फ बेसिक ही नहीं, अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहो तो प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ये सही परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कॉल ऑफ ड्यूटी में मीडियम हाई सेटिंग्स है और इस सेटिंग को ये फोन अच्छे से हैंडल तो कर पा रहा है। और मैंने 20 मिनट गेम खेला है और मुझे हेयर एंड देयर फ्रेम ड्रॉप्स तो ऑब्वियसली देखने में मिले, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में फ्रेम ड्रॉप्स होते ही होते हैं। बट वैसे फोन सीओडी आराम से हैंडल कर पा रहा है, तो अगर आपको कैजुअली सीओडी खेलना है तो बिल्कुल पॉसिबल है। और एकदम सेम स्टेटमेंट मैं बाकी गेम्स के लिए भी बोल सकता हूँ, जैसे कि S5 9 मैंने खेला था, वहां पर बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस था। मैं तो सिंपल सी बात आप लोग को बोलूंगा, जिस प्राइस सेगमेंट पे फोन आ रहा है तो ये एक डिसेंट परफॉर्मर 100% है। वैसे मैंने कैमरा भी चेक किया है, 50+2+2 का बैक कैमरे का सेटअप है और जो सेल्फी कैमरा है ना वो 8 मेगापिक्सल का है। खैर कुछ डेलाइट फोटोज खींचने के बाद मैंने कुछ चीजें नोटिस करी है, जैसे कि ये स्किन टोन सही तरीके से हैंडल कर रहा है। मैंने अपने सारे टीम मेंबर्स की फोटो खींची, इनफैक्ट पोर्ट्रेट मोड भी मैं बोलूंगा सही काम कर रहा है। इन शॉर्ट अगर इस कैमरे को सही लाइट मिले तो ये फोटोज एक्चुअली में अच्छी खींच रहा है। लेकिन मैं आपको लो लाइट की फोटोज दिखाता हूँ, वहां पर ये बहुत एवरेज परफॉर्म करता है, नॉइज होती है। इन शॉर्ट फोटो सॉफ्ट आती है बट कलर्स इसने फिर भी लो लाइट में ठीक निकाले है। और अगर फ्रंट कैमरे की बात करूं तो इस फोन से है ना सेल्फीज तो अच्छी आ जाती है, यहाँ पर मुझे कोई शिकायत नहीं है। और अगर वीडियो की बात करूं तो इस प्राइस सेगमेंट में ना वीडियोस इतनी अच्छी रिकॉर्ड नहीं करते फोन, और ये फोन भी कुछ स्पेशल नहीं है, वही 1080p 30fps ही मिलता है। तो ये थे मेरे फर्स्ट इंप्रेशन मोटो G13 के। अगर मैं शॉर्ट तरीके से समझाऊं तो मुझे इस फोन का डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि जिस प्राइस पे फोन आ रहा है इस प्राइस सेगमेंट में जनरली हमें इतने अच्छे डिजाइन नहीं मिलते जैसे कि इस फोन में मिल रहा है। खैर ये मेरा ओपिनियन भी है। बाकी प्राइस के बारे में बात करूं तो इस फोन के दो वेरिएंट है, एक है 4GB रैम 64GB स्टोरेज जो कि 9,500 रुपए का आएगा, और सेकंड वेरिएंट है 4GB रैम 128GB स्टोरेज जो कि 10,000 रुपए का आएगा। आप क्या सोचते हो इस फोन के बारे में, अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।